उन्हें एक संगठन एक एक बनाया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, इकट्ठे हो गए बंबई में। और अब क्या क्या कह रहे हैं उनके घटक दल, कह रहे हैं कि सनातन धर्म सनातन ये मच्छर डेंगू मलेरिया कोरोना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी तुम्हारे वेणुगोपाल क्या बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या हिंदुत्व के नाम पर गालियां दी जाएगी, क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा, क्या क्या कह रहे हैं ये कीर्तियों या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए मैडम प्रिया मैडम सोनिया गांधी सक कुशाण हूण पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए, ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता, सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं क्या इस तरह के गठबंधन देश का भला कर सकते हैं, जोर से बोलो कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, लंबा समय हमारे पास नहीं है, हम राजनाथ सिंह भाई साहब को सुनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों आपने हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया, ये नींव जिला ऐसा था जिसने 2018 में भी 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी, मंदसौर की 4 सीट भी हमारे पास है। आज मैं फिर अपील करने आया हूं, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ मेरे नीमच मनासा जावत के बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, जोर से बताइए आशीर्वाद देंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे, भाजपा को आशीर्वाद देंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय का शंखनाद करते हुए भाजपा को जिताने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं सीधे बंसीलाल जी को तकलीफ ना देते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय राजनाथ सिंह,